हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल EIQ। और यहाँ से हम लोग अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के MCQs को कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर आपका ये लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, 32 से लेकर के 35 तक। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और ये थोड़ा सा हम लोग इसमें डेरिवेशन भी प्रूव करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए आप। अगर भाई आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं सीखेंगे ना, तो ये सब आपके दिमाग में कभी रहेगा ही नहीं। यहाँ पे बोल रहा है फॉर अ डाइपोल। अब क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जो डाइपोल हो रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे मिस हो चुका है, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है। ओके, जैसे अभी जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो दोनों में आपका डाइपोल वर्ड यूज होगा। एक के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं और दूसरे के लिए आपका मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाता है भाई। ओके, अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है ये आपको पता होगा कि जैसे कोई भी आपके पास अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे आयरन है, तो आयरन को अगर आप जूम करके देखेंगे तो उसमें क्या होगा, बिलियंस ट्रिलियंस एटम्स होंगे आयरन के। लेकिन हम लोग जब फेरस मटेरियल पढ़ेंगे, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं भाई, तो उसमें हम लोग एटम को नहीं दिखाएंगे, हम लोग वहाँ पे उसके एटम के चलते, क्योंकि एटम के ऑर्बिट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सीधी सी बात है वो अपना एक करंट बना रहा होगा छोटा सा, और उस करंट के चलते क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेट बन रहा होगा। यानी एक एटम के चलते जो भी मैग्नेट बन रहा है, और मैग्नेट हमेशा क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा साथ में रहता है भाई, ठीक है। यानी उस छोटे से करंट के चलते जो भी हम लोग का मैग्नेटिक पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसको हम लोग इस तरीके से एरो से दिखाते हैं। एरो से दिखाने का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग को पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से जाता है, इधर आपका नॉर्थ बनेगा और इधर आपका साउथ बनेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। डाई का मतलब होता है डाई, और इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं इस तरीके से, तो डाई का मतलब होता है भाई दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्लियर हुआ। तो उसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो इसमें भी आपका एक डाइपोल बनता है, लेकिन ये जो बनेगा ये चार्ज के कारण बनेगा भाई, ठीक है। जैसे कोई भी अगर चार्ज है आपके पास, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और कुछ डिस्टेंस पे आपका एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है कुछ ना कुछ डिस्टेंस से, मान लेते हैं आर मीटर से आपने इसको सेपरेट कर रखा है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा भाई। जैसे आपको पता है भाई ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे जो पोल है ये जस्ट अपोजिट है। नॉर्थ और साउथ क्या होता है भाई, एक दूसरे का अपोजिट होता है ना। जैसे आप अगर DC जनरेटर भी पढ़ते हैं, या फिर कहिए अगर आप जनरेटर के बारे में देखेंगे कि कैसे आपका करंट बनता है एक तरीके से, तो ये मान लेते हैं आपका इस तरीके से मैंने दो मैग्नेट दिखा दिया, राइट। इधर हो गया आपका नॉर्थ, इधर हो गया आपका साउथ, और बीच में आपका मान लेते हैं कंडक्टर रखा हुआ है कुछ इस तरीके का। तो हम लोगों ने देखा था कि जब इस कंडक्टर को रोटेट करवाते हैं तो नॉर्थ पोल वाला जो रीजन है, जैसे यहाँ पे आपका क्या होगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस होगा MNA, जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होगा, ठीक है। यानी इतना दूर जो है आपका ये पूरा पूरा नॉर्थ रीजन है, और इधर वाला जो इतना दूर है आपका ये पूरा पूरा साउथ रीजन है। तो हम लोगों ने देखा था कि जब इस कंडक्टर को एक चक्कर घुमाएंगे तो नॉर्थ वाले रीजन को अगर हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो साउथ वाले को हम लोग नेगेटिव मान के चलेंगे। यानी इसका जो वोल्टेज का, यानी EMF का जो ग्राफ बनेगा, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। जैसे नॉर्थ पोल वाले रीजन में है कंडक्टर ए, या फिर A' या फिर A इधर कर देते, ठीक है। इसको एक चक्कर लगाइएगा तो ये मान लेते इतना, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्थ पोल के सामने है, तो यहाँ से आपका मैक्सिमम से होगा, और इसको मान लेते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है इस तरीके से, क्लियर हुआ। तो जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी फ्लक्स जीरो हो जाएगा। उसके बाद जब इसको फ्लिप करेंगे तो A' से कहाँ पहुँच जाएगा, साउथ के पास हो जाएगा, और साउथ को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। यानी कि बस कहने का मतलब यही भाई कि नॉर्थ को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो साउथ को आपको जस्ट अपोजिट यानी नेगेटिव लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप ग्राफ को देखें तो दोनों का, जब ये A' वाला कंडक्टर
थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। देखिए ये जो ए डैश वाला कंडक्टर है भाई आपका, जब नॉर्थ पोल के एकदम सामने था तो इसका जो मैक्सिमम है मान लेते हैं ये आपका 10 वोल्ट है, क्लियर हुआ। और जैसे ही जब इसको 180 डिग्री घुमा देंगे यानी 90 पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो गया, और फिर 90 डिग्री घुमाइएगा तो ए डैश आपका साउथ पोल में आ जाएगा, साउथ वाले रीजन में आ जाएगा। तो ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ पे भी जो मैक्सिमम आएगा नेगेटिव में ये भी आपका 10 वोल्ट ही होगा। कहने का मतलब क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ये दोनों अपोजिट होगा और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होता है, तभी तो ईएमएफ भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव में 10 वोल्ट जा रहा है मैक्सिमम और नेगेटिव में भी आपका -10 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं, ये आपका दो चार्ज और दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए अगर, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इसको आप दो ऐसे रखिए ना, अगर इसको आप 2 कूलाम और -2 कूलाम का रख रहे हैं तो सीधी सी बात है दूसरा चार्ज क्या होगा, +2 कूलाम का होना चाहिए। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों अपोजिट जेंडर का होना चाहिए, फिर ये अपोजिट साइन का होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में हम लोग कुछ अगर सेपरेशन डाल देते हैं, इस तरीके से कुछ डिस्टेंस सेपरेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल। मैग्नेटिक जो मैग्नेट होता है ना, बार मैग्नेट, उससे कंपेयर कीजिए भाई, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक रह सके। तो ये बोल रहा है कि हम लोग के पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, अब इसमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे वेरी करता है। ठीक है, जहाँ पे जो आर लिखा हुआ है ना, ये डिस्टेंस होता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे भाई, और इस लेक्चर में हम लोग का यही मेन क्वेश्चन है, बाकी जो ऊपर में आपके 3 क्वेश्चन है उसमें जान है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ऑलरेडी मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया है क्या होता है, और अभी जो हम लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपका एक यहाँ पे टॉपिक है छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए थोड़ा सा मैं फिर से पॉज करता हूँ और थोड़ा सा फ्रेम बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा, सबसे पहले एक चार्ज के बारे में पढ़ा, जैसे कोई प्लस चार्ज है या फिर कहिए माइनस चार्ज है, तो सीधी सी बात है अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, राइट। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है भाई, तो सीधी सी बात है इन इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस पॉइंट पे या फिर कहिए इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इसका फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैपिटल ई से, इसको हम लोग बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी हम लोगों ने देखा था। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रूफ करवाऊँ, क्योंकि हम लोग को ये डाटा चाहिए आगे में इस चीज़ को समझने के लिए। मान लेते हैं कि आपके पास एक पॉजिटिव क्यू कूलाम का एक चार्ज रखा हुआ है, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ से, कलर चेंज करते हैं भाई। देखिए ये कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कुछ दूरी तक ही बनेगा, उसके बाद फिर इन्फिनिटी हो जाता है इसके लिए। तो मान लेते हैं आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस और 1 कूलाम का होता है। अब इस टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से उठा करके आप क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं इसको आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, इस पॉइंट पे रख रहे हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका जो पॉइंट है ये ए है, तो सीधी सी बात है इस टेस्ट चार्ज को जब आप यहाँ पे रखेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि ये प्लस है तो सीधी सी बात है एक फोर्स लगेगा जो कि इसको बाहर की तरफ धकेलेगा, और ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, ई के ऊपर इनटू ये जो चार्ज है इसका कितना मैग्नीट्यूड है, तो इसको मैं स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, कितना फोर्स से रिपेल करेगा इसको बाहर की तरफ से। अब अगर हम यहाँ से ई की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, तो क्या हो जाएगा, एफ बाय क्यू हो जाएगा, सही बात है। और एफ क्या है, यहाँ पे जो कूलाम्स लॉ ने बताया है फोर्स। तो अभी जैसे देखिए इसको अब हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो चार्ज लिया था मैंने, एक क्यू चार्ज था और एक आपका टेस्ट चार्ज था, तो इन दोनों के बीच में सीधी सी बात है भाई, अगर कोई डिस्टेंस है, मान लेते हैं डिस्टेंस है, अब हम लोग ये दो चार्ज का एक तरीके से खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ओके। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों चार्ज को, एक क्यू चार्ज है और एक आपका टेस्ट चार्ज है, इन दोनों को हम लोगों ने मान लिया आर मीटर के दूरी से एक सेपरेट कर दिया, तो सीधी सी बात है फोर्स क्या लगेगा इनके बीच में रिपल्सन का, ये हो जाएगा आपका स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन ई आर। अब क्योंकि ये
कहीं ना कहीं मीडियम में रखा होगा, एयर मान लेते हैं, तो ई आर यहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं, ई आर का वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ई नॉट या फिर रहने देते हैं ई आर, और यहाँ पर हो जाएगा इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, क्लियर हुआ, ये आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो इस फोर्स के वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ऐसे मैं दिखा देता हूँ फिर से करके, ई नॉट ई आर और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, और नीचे में जो q था यहाँ पे, ये q कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये q और ये q कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ q, यानी जो मेन चार्ज रखा हुआ था जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था वो, डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर और यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो कि क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर और जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो अभी हम लोग वापस से आते हैं, यानी अभी हम लोगों ने एक चार्ज को देखा है, चार्ज कहीं पे भी रखा होगा तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो उसका अपना एक स्ट्रेंथ होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो बोल रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बोल रहा है एक सिंगल चार्ज के लिए, ये डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है, ठीक है, यानी डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो ई जो होगा यानी स्ट्रेंथ जो होगा फील्ड का कमते चला जाएगा, यानी इस पॉइंट का, क्योंकि ये सबसे बाहरी है, चार्ज से सबसे दूरी वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, और वही अगर हम लोग इसका सर्फेस की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, फिर इस पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे ई आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करता है। अब हम लोग आते हैं डाइपोल को लेकर के, देखिए सबसे पहले डाइपोल दिखता कैसे है भाई, तो अगर आप इस फोटो को देखेंगे, इस फोटो को देखिए आप, सबसे पहले यहां पे आपका दो चार्ज रखा हुआ, दोनों क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा, अगर ये मान लेते हैं 1 कूलाम का है और ये पॉजिटिव है, अगर कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखिए अगर ये क्यू है प्लस तो ये होगा आपका माइनस क्यू, क्लियर हो गया, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ हम लोगों ने, तो ऑटोमेटिक से मान लेते हैं यहाँ पे आर है, आर मीटर से सेपरेटेड है, या फिर अगर हम लोग बुक को फॉलो करें तो बुक में आपका जो डाइपोल को दिखाया जाता है, ये मान लेते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस लेके चला जाता है, जैसे यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट लेंगे अभी डेरिवेशन के लिए, मान लेते हैं आपका इसका मिड पॉइंट है, तो सीधी सी बात, अगर इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं भाई, अगर 2L है, ठीक है, 2L क्या है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो सीधी सी बात है इतना दूर क्या हो जाएगा, L मीटर, और रिमेनिंग इतना दूर क्या हो जाएगा, L मीटर, ठीक है, यानी दो अपोजिट चार्ज है सेम मैग्नीट्यूड के, और क्योंकि प्लस है माइनस है, तो सीधी सी बात है प्लस से आपका क्या होता है, फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलता है और नेगेटिव में एक तरीके से आकर के खत्म हो जाता है, राइट। अब देखें, अब ये जो डाइपोल है, अब इस डाइपोल का हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताना है भाई। अभी हम लोगों ने चार्ज के बारे में देखा था कि कहीं भी एक सिंगल चार्ज रखा हुआ तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक इंटेंसिटी होता है, और वो जो इंटेंसिटी होता है वो डिस्टेंस स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता है। अब हम लोग डाइपोल में एंटर कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई डाइपोल है तो इस तरीके से अपना ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाता है, तो इस डाइपोल का इस पॉइंट पे, या फिर कहिए इस पॉइंट पे, या फिर कहिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, या फिर कहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, या फिर कहिए उसका क्या वैल्यू होगा, और वो किस तरीके से वेरी करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो यही चीज आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिराइव करेंगे, क्लियर हो गया। इस फोटो को मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ, और अभी जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था उसको मिटाना पड़ेगा भाई, देखिए अब इसको पूरा ही मिटा देते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पे डाइपोल बनाते हैं, ये मान लेते हैं आपका एक प्लस चार्ज है, फिर इसको पहले लाइन पे दिखा देते हैं, ठीक है, इस तरीके का मान लेते हैं भाई। एक्सेल का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो क्लियर हो गया कि जब भी डाइपोल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे तो दो चार्ज रहेगा और दोनों के बीच में सेपरेशन रहता है, ठीक है, तो उस चार्ज को, जैसे यहाँ पे मैंने आपको फोटो दिखाया था ऑलरेडी, इस चार्ज को कहीं पे भी आप रख रहे होंगे, जैसे ये
एक्स एक्सिस पे रखा हुआ भाई, ठीक है, समझ रहे बात को, ये अपने आप में क्या है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है इस तरीके से। इसको हम लोग वाई एक्सिस पे भी रख सकते थे ऐसे, यानी इसको अगर घुमा दे, देखें इसको थोड़ा सा मैं घुमा के दिखाता हूँ, अगर मैं इसको घुमा दूँ इस तरीके से, ये क्या हो गया, अब ये जो डाइपोल रखा हुआ है ये एक वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है, यानी आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, या फिर कहिए आप इसको और थोड़ा सा घुमा देंगे, अगर ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे तो क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये इस तरीके से आपका रखा हुआ है, एक इंक्लाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहां पे समझना है। तो अभी हम लोग इसको हटा देते हैं, साइड करते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे। तो अभी आप इमेजिन कीजिए, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। तो मान लेते हैं इधर आपका माइनस क्यू चार्ज है और इधर मान लेते हैं आपका प्लस क्यू चार्ज है, और ये दोनों जो सेपरेटेड है, ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं भाई आपका 2L, ठीक है, इसको ऐसे दिखा देता हूं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये टोटल 2L है। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर लें, मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, ओ पॉइंट मान लेता हूँ, और ये मान लेते हैं भाई ये ए पॉइंट पे रखा हुआ है माइनस क्यू, और ये मान लेते हैं आपका बी पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ एक लाइन पे, ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर से, पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पे मान लेते हैं आपका पॉइंट बी है, और यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में मान लेते हैं मिड पॉइंट है, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, इन दोनों के बीच में जो टोटल लेंथ है ये है आपका 2L, ओके, हम लोग बुक के साथ स्टैंडर्ड होने के लिए इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ए ओ बी आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सीधी सी बात है भाई, ए और ओ के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, एल मीटर होगा, और ओ और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा बताइए, ये एल हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है आपका वो आपका टोटल 2L था यहाँ पे। अब हम लोग, क्योंकि ये मेरा एक तरीके से डाइपोल है, तो फील्ड लाइन क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है इधर से इन करेगा ऐसे, और ये पूरा पूरा स्प्रेड हो जाएगा जो मैंने फोटो में दिखाया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को इंटेंसिटी बताना है, स्ट्रेंथ के बारे में बताना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते, कहाँ पे, ऑन इट्स एक्सियल लाइन, तो ये एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है भाई। तो अगर हम लोग और भी इसके एक्सिस पे देखें, तो इसको अगर हम लोग फर्दर एक्सटेंड कर दें, ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐसे फर्दर एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो आपसे पूछेगा इस पॉइंट पे बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा इस डाइपोल का, या फिर कहिए इधर से भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, इस पॉइंट पे बताइए कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर कहिए स्ट्रेंथ कितना मिलेगा ड्यू टू इस डाइपोल के कारण, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो भाई कि अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ओके। डाइपोल के चलते आपको यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रेंथ बताना है इसके एक्सिस पे। तो अभी इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं भाई यहां पे आपसे कोई पूछा, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं आर, ठीक है। तो इस आर पॉइंट पे, और इसको अगर हम लोग बॉक्स में बंद कर दें इस तरीके से, देखिए इसको बॉक्स में बंद कर देंगे तो थोड़ा और ज्यादा बेटर तरीके से हो जाएगा भाई, ओके। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ ऐसे, यानी इतना दूर जो है ना, ये पूरा पूरा क्या है आपका डाइपोल रखा हुआ है, क्लियर हुआ। अब इस डाइपोल के बाहर पूरा फील्ड ऐसे फैला होगा फोटो में जो आपने देखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे बताइए कि इसके चलते, यानी डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या मिलेगा। तो हम लोग कैसे पता करते हैं, किसी भी स्ट्रेंथ को कैसे पता करते हैं, अभी जो मैंने आपको एक बताया था, अभी जस्ट बताया था, चार्ज के चलते, एक सिंगल चार्ज के चलते हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को एक तरीके से इंक्लूड किया था, इन्फिनिटी से उठा करके टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहा था, उस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रहा था, और इस फोर्स के माध्यम से फिर हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स का वैल्यू पुट किया, तो हम लोग यहाँ पे ई का वैल्यू मिल गया, क्लियर हुआ। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग करेंगे भाई, ठीक है। मान लेते हैं जो आर पॉइंट है, इस आर पॉइंट पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं, ठीक है। टेस्ट चार्ज कहने का मतलब क्या, यहाँ पे 1 कूलम का
एक आपका पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का टेस्ट चार्ज रखा जा रहा है, ठीक है। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक तरीके से, क्योंकि ये प्लस है तो समझिए, ये जो चार्ज है आप इसको इंडिविजुअली देखिए भाई, ये जो आपका चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसको अभी आप भूल जाइए कुछ समय के लिए, इसको आप भूल जाइए। तो सीधी सी बात है भाई, ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, सही बात है। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, सीधी सी बात है, और अभी हम लोग मान के चल रहे हैं ये जो चार्ज है ना टेस्ट चार्ज, ये क्या है आपके डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज के चलते जो फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे उस फील्ड लाइन में एक तरीके से 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, क्लियर हुआ। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा भाई रिपल्सन का, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर हुआ। यानी ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में धकेलेगा, या फिर कहिए अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन की बात करें, जैसे देखिए अगर आपके पास कोई प्लस चार्ज है, ठीक है, और प्लस चार्ज जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ इस तरीके से बना रहा है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये बाहर तरफ फोर्स लगा, यानी जिस डायरेक्शन में इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है वही उसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन हम लोग उसी डायरेक्शन में दिखाते हैं जिस डायरेक्शन में इसका फोर्स लगता है, तो फोर्स इसको क्या कर रहा है, बाहर तरफ धकेल रहा है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। और वही अगर मान लेते हैं माइनस चार्ज है मेरे पास, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनाएगा, अंदर की तरफ बनाएगा। और अगर इस नेगेटिव चार्ज में अगर कोई आप टेस्ट चार्ज को लेकर के आ रहे हैं, तो इसके ऊपर फोर्स किधर की तरफ लगेगा, अंदर तरफ लगेगा। यानी इसके चलते, यानी नेगेटिव चार्ज के चलते जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे जो भी बन रहा होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, क्लियर हुआ। यानी जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन हो जाता है। तो अभी यहीं पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज के चलते इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, या फिर कहिए इस पॉजिटिव चार्ज के चलते जो इस पॉइंट पे, आर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रहा होगा, जो स्ट्रेंथ बन रहा होगा, जिसको हमने यहाँ पे मान लेते हैं E1 से दिखा रहे हैं, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर की तरफ होगा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और हम लोगों ने एक चीज और देखा है भाई, ये जो E1 होगा, क्योंकि इस चार्ज को हम लोग सेपरेट देख रहे हैं, ठीक है, तो इस चार्ज के चलते जो E1 होगा, E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ये जो मेन चार्ज होता है ये ऊपर में रह जाता है डिवाइडेड बाय, ये तो कैंसिल ही हो जाता है आपका 4πE0ER, और अभी मान लेते हैं ये पूरा पूरा एयर में रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या होता है R2, ठीक है भाई। इस चार्ज के चलते यहाँ पे जो स्ट्रेंथ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो होगा आपका, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं इस नेगेटिव चार्ज के चलते, अब इसको भूल जाइए आप कुछ समय के लिए। अभी जो नेगेटिव चार्ज होगा ये भी अपना क्या बना रहा होगा, इस आर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, और आर पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा तो सीधी सी बात है हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो टेस्ट चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा हुआ है हम लोगों ने, इसको भूल जाइए एक समय के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्विचिंग कर रहे हैं, जब इसको ले रहे हैं तो उसको भूल जा रहे हैं, और इसको जब ले रहे हैं तो उसको भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, इस नेगेटिव चार्ज के चलते इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा इस बार, सही बात है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो अंदर तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी जो E2 होगा, E2 कहने का मतलब क्या, इस नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर हम लोग E2 की बात करें तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये वाला चार्ज, और यहाँ पे जो क्यू है माइनस है, तो माइनस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड बाई, क्योंकि भाई मेन चार्ज ही रहता है, इसके चलते वो कैंसिल हो जाता है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको 4πE0ER, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर, सही बात है, सही बात है। अब देखिए, हम लोगों ने यहां पे डिस्टेंस को पुट करना है, देखिए अभी मान लेते हैं जो O और R, ठीक है, O और R के बीच में जो डिस्टेंस है भाई, ये टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग अभी के लिए R मीटर है, क्लियर हुआ, या फिर R से सिर्फ शो करता हूं, मीटर लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अभी मुझे बताइए, ये जो E1 होगा, E1 इनके बीच में, यही देख रहे ना अभी, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे तो मैंने बस फॉर्मूला जो ड्राइव किया था पीछे में उसको मैंने R लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्चुअल डिस्टेंस लिखना होगा। तो देखिए
ये डिस्टेंस मेरे को पता करना है बी आर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है भाई ओ से आर तक क्या है, टोटल आर डिस्टेंस है, सही बात है। और हम लोग को ये भी पता है कि ओ और बी के बीच में, ओ और बी के बीच में क्या है, एल मीटर का डिस्टेंस है। तो अगर आर में से यानी ये पूरा डिस्टेंस में से ये ओ बी डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा, यानी आर माइनस एल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर इसको मिटा करके मैं क्या लिख देता हूं, R माइनस एल का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब ये एक्यूरेट फॉर्मूला बन गया, यानी इस चार्ज के चलते इस R पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बन रहा होगा, फिर इंटेंसिटी बन रहा होगा, ये इतने के बराबर होगा। उसी तरीके से अब हम लोग इस वाले में डिस्टेंस का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये Q है और R है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, O से लेके R तक कितना है आपका, ये है आपका O से लेके R तक का डिस्टेंस कितना है भाई, बताइए पूरा डिस्टेंस कितना है, R माना हुआ हम लोगों ने और सीधी सी बात है ये भी हम लोगों ने मान रखा है, ठीक है। ये L है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R प्लस L करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं कर देता हूँ R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक तरीके से E2, नेगेटिव चार्ज के चलते जो स्ट्रेंथ आएगा वो। अब देखिए इस R पॉइंट पे देख रहे हैं कि दो चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है, एक तो आपका पॉजिटिव चार्ज के चलते इस डायरेक्शन में और एक आपका नेगेटिव चार्ज के चलते इस डायरेक्शन में, क्लियर हुआ। इस लाइन को मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ओके। और इस लाइन को भी हम लोग मिटा देते हैं और E2 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाता हूं मैं, E2 का इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए भाई, ये दोनों अपोजिट है, एक आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम लोग को नेट देखना पड़ेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना आ रहा है इस आर पॉइंट पे जहां पे आपने टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि E1 और E2 में बड़ा कौन सा है, ठीक है। जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे, उसी में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम लोग को पता है जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक ना भाई, जो स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो अभी जस्ट बताना मैंने आपको, देखिए अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाया भाई कि जो स्ट्रेंथ होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ होता है, ये डिस्टेंस के स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जो E है भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के ऊपर, यानी जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका E उतना ही कम होगा, क्लियर हो गया। अब हम लोग यहां पे वापस आते हैं, यहां पे देखिए सीधी सी बात है, ये जो Q चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज और ये टेस्ट चार्ज, इनके बीच में जो डिस्टेंस है काफी कम है, ये डिस्टेंस काफी कम है ना भाई, समझ रहे बात को, यानी ये डिस्टेंस कितना था R माइनस L, यानी ये डिस्टेंस काफी कम है तो सीधी सी बात है E1 मेरा ज्यादा होगा। और अगर हम लोग Q से इस R पॉइंट को देखें तो यहाँ पे डिस्टेंस काफी ज्यादा है, R प्लस L, यानी यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो सीधी सी बात है E2 मेरा क्या होगा, काफी कम होगा। यानी हम लोग को ये भी कंफर्म हो गया कि E1 जो है मेरा बड़ा है, यहाँ पे लिखता हूँ E1 जो है मेरा बड़ा है एज कंपेयर टू E2, क्लियर हुआ। यानी E1 में से E2 को घटाएंगे, ठीक है, जो बड़ा होता है भाई उसी में से घटाएंगे ना। और अब हम लोग साइन की बात करते हैं, तो जो नेट साइन होगा वो किसका रह जाएगा, जो बड़ा वाला है उसी का साइन रहेगा, यानी E1 का, तो E1 का क्या है आपका इस डायरेक्शन में, तो साइन आपका यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसी डायरेक्शन में रहेगा, यानी इस टेस्ट चार्ज के ऊपर बाहर तरफ फोर्स लगेगा, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए तो अभी हम लोग नेट E की अगर बात करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें या फिर इंटेंसिटी की बात करें, क्या हो जाएगा आपका E1 माइनस E2। E1 मेरा क्या है, E1 है मेरा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई E नॉट E R, डिस्टेंस था मेरा यहां पे R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस दिया हुआ है E2। अब E2 का वैल्यू देखते हैं, E2 मेरा क्या था, ये वाला वैल्यू है, ठीक है, यानी माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई E नॉट E R, और यहां पे क्या हो जाएगा R प्लस L था मेरा डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर हुआ। अब देखिए अभी यहाँ पे अगर कॉमन लेने, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे एक चीज़ गलती कर रहे हैं भाई, देखिए गलती क्या कर रहे हैं, एक चीज़ समझिए,
इस R पॉइंट पे, ध्यान समझिएगा, इस R पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, सही बात है, E1 आ रहा है और E2 आ रहा है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो क्या करना पड़ेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना पड़ेगा, E1 और E2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब माइनस होगा या प्लस होगा वो बात की बात है, इसको पहले जोड़ते हैं, ठीक है। और जब आप जोड़िए, क्योंकि डायरेक्शन फिर आपका आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन पे अगर आप फोकस करेंगे तो एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, तो सीधी सी बात है दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल करेगा। लेकिन हम लोग बेसिक सा रूल यूज कर रहे हैं भाई, अगर किसी पॉइंट पे, इस आर पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2 करना होगा, सही बात है। तो हम लोगों ने E1 का वैल्यू पुट कर दिया यहां पे और E2 का वैल्यू भी हम लोगों ने पुट कर दिया यहां पे, ठीक है। और E2 क्योंकि मेरा माइनस में था, यहां पे प्लस करना पड़ेगा भाई हम लोगों, ठीक है। E2 मेरा क्योंकि माइनस में था तो इसलिए हम लोगों ने यहां पे माइनस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। अब यहां पे देखिए प्लस माइनस, क्योंकि साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन क्या बता रहा है, एक इधर जा रहा है तो एक अपोजिट आ रहा है, तो दोनों कैंसिल होगा और कैंसिल होना भी चाहिए। जब आप इस ब्रैकेट को तोड़िए तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहां पे, क्लियर हुआ। प्लस माइनस माइनस कीजिएगा तो भाई क्या आएगा, आपका माइनस ही तो आएगा, समझ गए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हम लोग से, इसको मिटा देते हैं, नहीं दोनों भाई डायरेक्शन से भी आप इतना करने हुए मतलब नहीं, तो बच्चा वाला चीज है ना, ओके। यहां पे माइनस रहेगा आपका। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा दोनों में कॉमन लेते हैं, अगर हम लोग कॉमन ले लें, क्या इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, क्यू फोर पाई ई नॉट ई आर, ये कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचेगा, वन डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी वन क्योंकि क्यू तो कॉमन ले लिया हम लोगों ने, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, सही बात है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब आते हैं आगे, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा जो कॉमन ले रखा है, फोर पाई ई नॉट ई आर, अंदर में अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये यहां आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों पे तोड़ देते हैं, q डिवाइडेड बाय 4 पाई e नॉट e r, यहां पे क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी आर एल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस, माइनस रहने देते हैं, अभी अंदर में तोड़ते हैं पहले, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू आर एल, क्लियर हुआ। नीचे में जो था आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, हम लोग सबसे पहले ये माइनस है तो माइनस वाला साइन पहले खत्म करते हैं, यानी ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, क्यू डिवाइडेड बाय फोर पाई, थोड़ा सा और इसको लाइट करते हैं भाई रेड को, ई नॉट ई आर, और ये हो जाएगा आपका ऊपर में देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल, वैसे का वैसे ही रहेगा, ये माइनस है तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर का पूरा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल हो जाएगा, क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय, अब नीचे में वैसे रहने देते हैं, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस एल है, ये आपका प्लस एल है, कट जाएगा, माइनस आर स्क्वायर है, ये प्लस स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, यानी ऊपर में क्या बचेगा, प्लस टू आर एल और प्लस टू आर एल, क्लियर हुआ। यानी ऊपर में आपका आ जाएगा भाई क्यू डिवाइडेड बाय फोर पाई ई नॉट ई आर, यहाँ पे हो जाएगा टू टू जा फोर एन, दो दो जोड़ दें चार आर एल हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा आपका R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर,
क्लियर हो गया। अब देखें हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिनोमिनेटर के ऊपर काम करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगा आपका, यहाँ पे देखिए जब आपका बेस सेम होता है, कि दोनों का बेस देख रहे हैं, सॉरी ये बेस अलग अलग है, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो पावर है पावर दोनों का सेम है, यानी जब बेस अलग हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो लेकिन इनका पावर अलग अलग हो, देख रहे हैं बेस ए है बी है लेकिन पावर दोनों का सेम है, तो जो बेस है ये बेस मल्टीप्लाई में रह जाता है और पावर आपका बाहर आ जाता है। क्लियर हुआ इस चीज़ को, आप समझिए। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे, क्यू फोर पाई ई नॉट ई आर, ये हो जाए आपका फोर आर एल वैसे का वैसे ही डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाए इसको ए मान लिया हम लोगों ने, यानी आर माइनस एल, ठीक है, इनटू ये बी है मेरा आर प्लस एल, और इसका जो पावर होता है पावर कितना दोनों का सेम है, यानी ये बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हम लोग को एक चीज और पता है, ये जो अंदर में डाला गया है इस तरीके से, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब आप देखेंगे तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सही बात है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो क्या है, इसको मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का है ये, इसको जब तोड़िए तो क्या हो जाएगा इसी बेसिस पे आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। क्लियर हुआ, यानी ये वाला वैल्यू इतने के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, उसको हम लोग आगे करते हैं भाई, इसमें कुछ नहीं, बेसिक फार्मूला है आपका, और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये सब तो आपको पता होना चाहिए, ये सब बहुत ही बेसिक है, सॉल्यूशन बस है यहाँ पे 4 पाई ई नॉट ई आर, ये हो जाएगा आपका 4 आर एल वैसे का वैसे ही रहेगा नीचे में, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, और उसका जो होल स्क्वायर था वो तो रहेगा ही रहेगा, हम लोगों ने अंदर तोड़ा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अब भाई हम लोग इसको और अगर ब्रेक करें, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई E नॉट ई आर 4 आर एल, इसको आप अंदर ले लीजिएगा तो R का पावर 4 हो जाएगा माइनस L का पावर 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये जो L है ये L क्या था, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से देखें, यहाँ पे Q रखा हुआ था, यहाँ पे आपका प्लस Q रखा हुआ था, ये आपने मिड पॉइंट लिया था, इसको ऐसे लाइन पे दिखा देते हैं, ये A पॉइंट था, A पॉइंट, ये B पॉइंट, यहाँ पे आपका O पॉइंट था, ठीक है, इनके बीच में जो टोटल डिस्टेंस था ये 2L माना था, और ये जो था आपका ये L था, और ये आपका क्या है एक तरीके से L था। क्लियर हो गया, अब देखिए भाई अगर हम लोग स्पेशल केस देख रहे हैं एक तरीके से, अगर हम लोग का जो L होता, ये L मान लेते हैं काफी स्मॉल होता, ठीक है, L को काफी स्मॉल मान रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि ये जो डाइपोल है ये शॉर्टेस्ट डाइपोल है, डाइपोल शॉर्टेस्ट डाइपोल कहने का मतलब क्या है कि A और B में, यानी Q और सॉरी माइनस Q और प्लस Q के बीच में जो डिस्टेंस का सेपरेशन वो काफी छोटा है, काफी नजदीक है ये दोनों, ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई। और आर क्या माना था हम लोगों ने, आर क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने इसके एक्सिस को एक्सटेंड किया था, यानी चार्ज वाले एक्सिस को एक्सटेंड किया था, यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट लिया था, इसको मान लेते भाई आर नहीं लेते, इसको मान लेते पी पॉइंट लिया था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को रखा हुआ था। क्लियर हुआ, तो ये आर क्या था, आर डिस्टेंस क्या था, ये ओ से लेकर के ये जो पॉइंट था जहां पे हम लोग टेस्ट चार्ज रखा हुआ था उसका डिस्टेंस हम लोगों ने मारा था आर, ठीक है। तो हम लोग एक स्पेशल केस ले रहे हैं कि अगर हम लोग के पास शॉर्टेस्ट डाइपोल होता, यानी ये दोनों डाइपोल काफी नजदीक होते, तो ये जो एल का वैल्यू है ये एल का वैल्यू काफी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू ये जो आर है उसके मुकाबले। क्लियर हो रहा है भाई, एल का जो वैल्यू होता ये काफी मच स्मॉल हो जाता किससे, आर से। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इस L का वैल्यू यहाँ पे नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यानी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
एक तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो जब आप इसको अवॉइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू मतलब स्पेशल केस एक तरीके से। और ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो शॉर्टेस्ट डाइपोल ही होता है, यानी इन दोनों के बीच में सेपरेशन होता है काफ़ी छोटा होता है। क्लियर हुआ? ई नॉट ई आर, और ये हो जाए आपका 4RL, और ये हो जाएगा आपका R का पावर 4। ये तो आपने नेगलेक्ट कर लिया एक तरीके से, तो एक R से एक R कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओवरऑल, ऊपर में भी R है ना तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Q डिवाइडेड बाय 4 pi E नॉट ई आर, ये हो जाएगा ऊपर में 4L डिवाइडेड बाय R क्यू। ओके, अब देखिए ये हम लोग का फाइनल एक तरीके से हो गया, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है या फिर इंटेंसिटी है ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लेंथ, या फिर कहिए लेफ्ट साइड में लीजिए, यानी एक्सियल लेंथ कहने का मतलब भाई ये जो एक्सिस लिया, ये जो पॉइंट लिया हुआ है अपने पी पॉइंट जहाँ पे अपने टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है एक तरीके से, इसको आप क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी ले सकते हैं, फिर इस पॉइंट पे भी ऐसे भी प्रूफ करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यही सेम वैल्यू आएगा, यानी ड्यू टू डाइपोल किसी भी पॉइंट पे, यानी किसी भी एक्चुअल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है या फिर स्ट्रेंथ होता है वो क्या है, डिस्टेंस के आर का पावर क्यू पे है। ठीक है, समझ में आया? यानी जो इंटेंसिटी वेरी करता है वो आर का पावर मतलब 1/n मतलब इन्वर्सली है, और इन्वर्सली में भी क्या क्यूब के हिसाब से एक तरीके से वेरी कर रहा है। तो इस r का पावर यानी 1/r का पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r का पावर -3 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, r का पावर -3 से ये वेरी करेगा। अब देखिए जब आप इसको और भी डिटेल में पढ़िएगा तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला प्रूफ किया ना, इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करते हैं। देखिए अभी तक आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यानी कहीं पे भी अगर दो चार्ज है इक्वल मैग्नीट्यूड का, दोनों को अगर आपने सेपरेट कर दिया है तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई, एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, कितना ताकतवर है, इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, पी से, कैपिटल पी से, और वेक्टर का साइन दे रहा है, मतलब क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये जो पी होता है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, ये होता है आपका जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड बुक में जो डिस्टेंस लिया जाता है यहाँ यानी इन दोनों के बीच में, ये 2L माना जाता है। और हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया है भाई भाई मेरे, जो हम लोगों ने ऊपर में है ना, देखिए ये जो हम लोगों ने डाइपोल का ये लिया हुआ है उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस कितना दिखाया है, एक तरीके से दो डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया वहां पे कितना दिखाया है, 2L दिखाया ना, तो यहाँ पे भी 2L ही ले लेते हैं। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है 2L, ऐसे बुक में आपका हमेशा 2L दिखाता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे लेके चल रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा ये होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट, यानी डिस्टेंस तो 2L है और इन दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो, अब दोनों में से किसी भी एक चार्ज को ले लीजिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिया जाता है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी ये स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, क्या है, चार्ज इनटू इन दोनों के बीच में सेपरेशन लेंथ है वो। अब इसके यूनिट की अगर बात करें तो लेंथ का होता है मीटर, और कूलाम चार्ज है नहीं, कूलाम यानी कूलाम मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझते हैं, यानी स्ट्रेंथ को बताता है ये। अब देखिए ऊपर में अगर हम लोग देखें जो फॉर्मूला आया हम लोग का E इक्वल टू क्यू, ये जो 4L है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2L, सही बात है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4L के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 pi E नॉट ई आर, और ये हो जाए आपका आर क्यू, शॉर्टेस्ट डाइपोल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी ये दोनों काफ़ी नज़दीक है, तो लेंथ हमेशा L में डिफाइन करते तो 2L ही ना होगा, समझ रहे बात को? तो अब देखिए भाई, हम लोग को पता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है ये क्या होता है, 2L इंटू क्यू होता है, समझ गए, यानी ये Q और ये 2L दोनों को अगर हम लोग साथ में अरेंज करके लिखें तो इन दोनों की जगह ये 2L इंटू क्यू है, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई बताइए, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और यहाँ पे 2 आपका रहेगा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 4 pi E नॉट ER, और ये हो जाएगा RQ।
क्लियर हो गया। तो ये आपका फाइनल फार्मूला है आपका, ठीक है। अब यहाँ से डिस्टेंस के हिसाब से वेरी पूछा था क्वेश्चन में, तो आर का पावर 3 और इन्वर्सली है नहीं, आर का पावर -3 के हिसाब से वेरी करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं थोड़ा सा, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, कहाँ पे आए अब हम लोग, 34 करते हैं भाई। देखिए 34 क्या बोलता है, ये भी आपका काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 34 नंबर बोल रहा है भाई, दो चार्ज है, एक +3 माइक्रोकुलाम का और दूसरा आपका -12 माइक्रोकुलाम का, दोनों को सेपरेट किया हुआ है हम लोगों ने 0.4 मीटर का डिस्टेंस है। आगे बोलता है वेयर शुड अ थर्ड चार्ज, मतलब एक तीसरे चार्ज को लेकर के आया जा रहा है और ये तीसरा चार्ज आपका +3 माइक्रोकुलाम का है, तो बोलता है इस तीसरे चार्ज को हम लोग कहां पे रखेंगे, किससे, ये जो पहले से 3 कुलाम का चार्ज बैठा हुआ है उससे, यानी जो पहले से 3 माइक्रोकुलाम का जो चार्ज बैठा हुआ है उससे कितने दूरी पे रखेंगे इस तीसरे वाले चार्ज को, कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे, जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो जीरो हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.4 मीटर। अब कैसे होगा इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां पे मान लेते हैं भाई, ये मान लेते हैं आपका, ए पॉइंट है, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं आपका बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो दूरी है ये है आपका 0.4 मीटर, यानी ए पॉइंट पे आपका +3 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है और बी पॉइंट पे आपका -12 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बोलता है कि तीसरे चार्ज को हम लोग कहां रखें, किससे कहां पे रखना है, इस वाले चार्ज से रखना है हम लोग को, यानी तीसरे चार्ज को इस +3 माइक्रोकुलाम वाले चार्ज से कितने दूरी पे रखें कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं मैंने यहां पे रख दिया, अब इसको आप कहीं भी रख सकते हैं भाई। सबसे पहले एक चीज समझिए, जो ऑप्शन में दिया हुआ था डिस्टेंस 0.4 0.1 0.2 जो भी डिस्टेंस दिया हुआ भाई, ठीक है, तो इस चार्ज से जो कि ए पॉइंट पर रखा हुआ, इस चार्ज से मान लेते हैं फर्स्ट केस में 0.1 मीटर पर रखता हूं, तो 0.1 मीटर का ये मान लेते हैं लेंथ, सही बात है। तो ये जो पॉइंट आएगा इससे एक सर्कल बनेगा, एक सर्कमफेरेंस बनेगा जिसका जो रेडियस होगा 0.1 मीटर होगा, क्लियर हो रहा है। यानी इस ए पॉइंट से, यानी इस ए पॉइंट पे जो आपका ये चार्ज रखा हुआ है, इससे आप तीसरे चार्ज को कहीं पे भी रख सकते हैं, इस पॉइंट पे, 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 कहीं भी रख सकते हैं। अभी मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया, कितना आंसर है 0.4 मीटर, ठीक है। यानी अगर ये मान लेते हैं 0.4 मीटर का डिस्टेंस है तो यहां पे भी रख सकते हैं उस चार्ज को, यहां पे भी रख सकते हैं, यहां पे भी रख सकते हैं, यहां पे कहीं पे भी रख सकते हैं भाई, समझ रहे, क्योंकि आपका लेंथ जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया एक चीज। तो अभी मान लेते हैं ये जो आपका तीसरा चार्ज है इसको मैं इस पॉइंट पर रख रहा हूं, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका सी पॉइंट। अब यहां पे जो डिस्टेंस है ये मेरे को निकालना है, मान लेते हैं इनके बीच में जो ये जो तीसरा चार्ज है भी क्या है +3 माइक्रोकुलाम का, अब मान लेते हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये मेरा x मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, यही तो निकालना है कितने मीटर पे रखा जाए। तो अभी मैंने x मीटर मान लिया कि x दूरी पे रखा हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि ये जो तीसरा चार्ज है +3 माइक्रोकुलाम का, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए। सबसे पहले मेरे को एक चीज बताइए, यहां पे ये जो तीसरा चार्ज रखा हुआ है इसको टेस्ट चार्ज की तरह आप कंसिडर कीजिए, इस तीसरे चार्ज के ऊपर ये दोनों चार्ज फोर्स लगाएगा, समझ रहे बात को। अभी जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट दिया भाई, उसमें दो पोल दो थे ना, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो जो हम लोगों ने एस चार्ज को आर पॉइंट पे फिर कहीं पी पॉइंट पे रखा था तो उस पर कैसे देखा था कि दोनों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, ठीक है। तो वही चीज है कि ये ए वाला भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और एक बी वाला भी फोर्स लगाएगा, समझ रहे बात को। तो बोल दिया क्या क्वेश्चन में कि इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगना चाहिए, समझ गए। अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा इसका मतलब क्या हुआ कि इसके चलते जो फोर्स लगेगा मान लेते हैं F1 और B के चलते जो फोर्स लगेगा मान लेते हैं F2, ये दोनों क्या हो जाना चाहिए, कैंसल आउट हो जाना चाहिए। कैंसल आउट हो जाएगा तभी जा करके क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से नेट फोर्स जीरो लगेगा। सबसे पहले देखिए F1 की बात करते हैं हम लोग, ये प्लस चार्ज है
और ये भी प्लस चार्ज है, तो F1 का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा भाई बताइए, ये प्लस है ये भी प्लस है, यानी इसको बाहर की तरफ धकेलेगा, ऐसे लगेगा फोर्स का डायरेक्शन, सही बात है। F2 की अगर बात करें तो F2 क्योंकि ये माइनस है और ये आपका प्लस है, तो सीधी सी बात है F2 का जो डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर हो गया। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है, और सीधी सी बात है भाई अगर इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि F1 जो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और F2 जो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा। मतलब ये मान लेते हो अगर मैंने प्लस ले लिया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आता तो माइनस, और दोनों मैग्नेटिक सेम है तो दोनों कट जाएगा, यानी फोर्स मेरा जीरो हो जाएगा, समझ गए। यानी F1 बराबर F2 होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग को ऑलरेडी पता है फोर्स का फॉर्मूला, कूलम्स लॉ ने दिया हुआ है, ये जो F1 होगा यानी F1 के लिए इतना ही कंसिडर करना है आपको, क्या होगा बताइए, यहाँ पे ये वाला चार्ज 3, अब सब माइक्रो में है भाई, ठीक है, तो माइक्रो अब कट जाएगा, माइक्रो तो डायरेक्ट लिखता हूँ 3 गुना, फिर लिख देता ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, 3 माइक्रो कूलाम गुना ये वाला, ये भी आपका 3 माइक्रो कूलाम डिवाइडेड बाय, मतलब माइक्रो में दोनों माइक्रो है ना भाई, कट जाएगा, इतना बच्चे की तरह अब नहीं लिखूँगा मैं, देखिए 3 गुना 3, ठीक है, हो गया चार्ज दोनों का। अब 4 पाई ई नॉट, मान लेते एयर में रखा हुआ ई आर, और यहाँ पे जो सेपरेशन मान रखा मैंने x मान रखा था, x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर F2, F2 मतलब क्या, इसके चलते इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो बताइए ये चार्ज यानी माइनस 12 गुना, यहाँ पे चार्ज कितना है 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन ई आर, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.4 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस x है, तो क्या हो जाएगा 0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, समझ गए, क्लियर हुआ। अब बस इसमें जो जो कटेगा, 3 से 3 काट देते हैं, ये वाला 3 से यह माइनस यानी 12 कट जाएगा, 4 बार में माइनस चार्ज, और ये कट जाएगा पूरा। अब क्या बचेगा यहां पे, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा इधर 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा आपका माइनस 4 x का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए अब यहां पे भाई हम लोग को ये फैक्टराइज करना पड़ जाएगा, नहीं तो फिर इसका देखता हो, एक मिनट थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं पहले, उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको स्क्वायर करते हैं भाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.16 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ दे रहा है, 0.16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कितना हो जाएगा 2 गुना 0.4 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं 0.8 हो जाएगा, ये 0.8x हो जाएगा, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब इसको उधर ले जाते हैं कितना हो जाएगा आपका ये यानी 4x स्क्वायर, इधर आपका
ये प्लस है, यहाँ पे साइन का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा भाई, ये माइनस कहाँ से आ जा रहा है, ये माइनस आना नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट, इसको अगर हम लोग प्लस लेके चलें, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, क्योंकि फोर्स का हम लोगों ने डायरेक्शन ले रखा है, ठीक है, जब डायरेक्शन ले रखा है तो हम लोग यहाँ पर माइनस दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, तो उसको अगर हम उधर लेकर के जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ठीक है, तो सबको इधर ले आते हैं, ठीक है, उस साइड वाले को हम लोग इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस आ जाएगा, यानी इसमें से घट जाएगा, यानी 3x स्क्वायर, उसके बाद फिर हम लोग इधर ले आते हैं 0.8x हो जाएगा, और इधर -0.16 मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब इसको बस फैक्टराइज कर देंगे हम लोग, फैक्टराइज जब आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1.2x प्लस 0.4x माइनस 0.16 मस्ट बी इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं भाई, ये जो है ना इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, उसको आप एलसीएम लेकर इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे कि ये दोनों जो है माइनस होने के बाद इतना आना चाहिए, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे आते हैं, देखिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कॉमन ले लेंगे, अगर आप 3x कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 0.4, और इसमें अगर आप 0.4 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0.4, ठीक है, तो इसमें से अगर आप ये वाला वैल्यू उठाते हैं और मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्लियर हो गया। तो इसमें से अगर आप इसको तो हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग रिजल्ट आएगा नहीं, तो इसको अगर आप उठाते हैं कितना हो जाएगा, 0.4 x माइनस 0.4 मस्ट बी इक्वल टू 0 दे दिया जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, उधर 0 है तो 0 से डिवाइड तो 0 हो जाएगा, यानी x माइनस 0.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, यानी यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू आपका 0.4 मीटर, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग सीधे सीधे इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कैलकुलेशन है वो पूरा का पूरा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, और ये सब MCQs लगा रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में और यही हूबहू बोल देगा तो आपको भाई इतना कैलकुलेशन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रखा है, और प्रैक्टिस भी आपने कॉन्सेप्ट के साथ किया हुआ है, ऐसा नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे ये हिंट दे देगा कि यार इसका आंसर यही होता है, ठीक है, 0.4, ओके, तो काफ़ी ज़्यादा आपका एक्यूरेसी और स्पीड वहाँ पे बढ़ जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन जो होता है ना भाई, कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लीजिएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन जो है पैदा नहीं कर सकता, ठीक है, आपने पूरा कॉन्सेप्ट ही सीख लिया तो आदमी कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, नया कॉन्सेप्ट थोड़ा ना डाल देगा, ये सब जो भी क्वेश्चन डाला गया पूरा पूरा कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। आगे देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है भाई, अ टीनी पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.3 कूलम इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय, देखिए क्या है यहाँ पे, चार्ज मतलब एक छोटा सा कण है ऐसे समझिए, देखिए 0.3 है और 1000 वोल्ट है, आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले आप समझिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था भाई कि अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, समझ रहे बात को, सिंगल एटम ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कहाँ से सिंगल लेकर के आइएगा, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो हम लोग प्लेट लेते हैं, दो प्लेट लेंगे और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से बैटरी से जोड़ देते हैं, ओके, अगर आपने इस तरीके से जोड़ दिया, ये प्लस है, इसका मतलब क्या, ये पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटॉन बचेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, तो प्लस प्लस हो जाएगा, क्लियर, और ये जबरदस्ती इसको नेगेटिव चार्ज दे देगा, यानी पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक तरीके से तैयार हो गया, इस तरीके से इस डायरेक्शन में, क्लियर हो गया। अब बोल रहा है ये जो आपने बैटरी जोड़ा है ये 1000 वोल्ट का है, और बोला है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक छोटा सा कण है, छोटा सा पार्टिकल है, और वो पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल है, चार्ज्ड कितना है बोला 0.3 कूलम का, ठीक है, कहीं भी रखा होगा। अब बताइए ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है, वो रिपेल करेगा ना, ये पॉजिटिव प्लेट है भाई, ठीक है, ये चार्ज भी आपका पॉजिटिव है, तो इधर से तो रिपेल करेंगे, इसको धक्का देगा, इस डायरेक्शन में इसको भगाएगा, यानी एक्सेलरेट होगा, यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, क्लियर हुआ। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब जो नॉर्मल बच्चे होंगे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा नहीं है या फिर उनको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²
अब यहाँ पे ना ही आपके पास मास है ना ही यहाँ पे वेलोसिटी है, कैसे लगाइएगा? तो हम लोग को यहाँ पे दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा भाई, हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे हम लोग को पता है ऑलरेडी, अगर एक मान लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम दिखाता हूँ मैं, ठीक है, और अगर आप भाई किसी भी चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं ना, बहुत ही डिटेल में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है, सेमीकंडक्टर सब चल रहा है, उसमें मैंने बहुत कुछ आपको डिटेल में बताया, ठीक है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि और भी जो पैरेलल में सब्जेक्ट बने हुए हैं या फिर जो चल रहा है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है, पूरा पूरा चेन होता है, ठीक है। यहाँ का कॉन्सेप्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट आपको बेसिक में काम आएगा, बेसिक का कॉन्सेप्ट आपको मशीन में काम आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएगा, पावर सिस्टम में काम आएगा, मेजरमेंट में काम आएगा, यानी एक तरीके से पूरा का पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ओके, कॉल आ रहा था भाई अभी, फोन फिर से मैंने साइलेंट किया है। देखिए ये आपका एल्युमिनियम का कंडक्टर, मतलब एल्युमिनियम एटम है, वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही बात है। अब मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं, अभी इसको मान लेते हैं भाई कि इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर रखना है, यानी काफ़ी लोवेस्ट टेम्परेचर पर रखना है, तो ये इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं निकलेगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है यानी इसको फ्री बनाना है, कंडक्शन बैंड में लेकर के आना है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, या क्या करेंगे, या तो हाथ से पकड़ के खींच लेंगे, या तो फिर आपको यहाँ पे एक सेम पॉजिटिव चार्ज लाना होगा जो कि इस न्यूक्लियस वाले पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का होना चाहिए। जैसे अगर ये 2 कूलाम का एक तरीके से ऐसे समझिए, जैसे इसके पास 13 प्रोटॉन होते हैं ना, ठीक है, तो 13 प्रोटॉन नहीं 13 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो चार्ज रखना पड़ेगा ये थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, या तो डिस्टेंस यानी काफ़ी करीब ले आइए ताकि इसका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाए, या तो फिर इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया कहीं पर रखिए तो उसका इलेक्ट्रोफील्ड इसको खींच लेगा, ठीक है। यानी इसको खींचने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज लेकर के आना पड़ेगा, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आना पड़ेगा, क्लियर हुआ, इस तरीके का। और मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे बनाते हैं, बताइए, बैटरी से। बैटरी क्या होता है, बैटरी कुछ नहीं, आपका अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव दिखा रहा है, ये नेगेटिव दिखा रहा है, इसमें कुछ नहीं भाई, 2 प्लेट होता है, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड होता है। इसमें क्या करते हैं, जबरदस्त चीज़ जिसको हम लोग चार्जिंग प्रोसेस बोलते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी यानी चार्जिंग के दौरान क्या होता है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन ले करके, क्योंकि चार्जिंग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है इसको क्या कर रहे हैं, एक बाहर से हम लोग एनर्जी दे रहे हैं भाई, ठीक है भाई। बाइक के बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा। तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है, जो आपने बाहर से एक्सटर्नल पावर लगा रहा, मतलब बैटरी लगा, मान लो दूसरा बैटरी लगा रखा आपने, ठीक है, तो बैटरी क्या करता है, एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींच करके दूसरे को दे देता है, तो जहां से खींचा वहां पे प्लस प्लस बन जाएगा पूरा पूरा, यानी इसका टर्मिनल क्या होगा, एक प्लस चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और जिसको दिया इसने वो मेजोरिटी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया यानी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये प्लेट पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी टर्मिनल ही पूरा पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव प्लेट, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट, इस तरीके से लगा करके और इसको बाहर से बैटरी से जोड़ देना पड़ेगा, क्लियर हुआ, इस चीज़ को समझिए आप, तब जा करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ये जो इनके बीच में जो पोटेंशियल होगा भाई, देखिए कैपेसिटर जब आप पढ़िएगा, वही चीज़ बोल रहा हूँ भाई, बहुत चीज़ जो है ना इसका उसमें काम आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। ये क्या है, ये कुछ नहीं, कैपेसिटर है एक तरीके से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कब तक खींचते रहेगा, जब तक कि ये वाला वोल्टेज इन दोनों प्लेट के पास ना पहुंच जाए, क्लियर हुआ, इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस हिंट दे रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा। तो देखिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ भाई, जो वोल्टेज होता है ना, ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये कुछ नहीं है वोल्टेज, ये जो वोल्टेज था बैटरी के पास, वो वोल्टेज आ गया यहाँ पे इस प्लेट के पास, ठीक है। तो जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज कुछ नहीं, क्या करता है, एक काम करने के लिए यूज होता है, यानी ये एक एक्सटर्नल एनर्जी की तरह एक तरीके से काम होता है। और वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है, समझ में आया। जहाँ पे W क्या है, ये वर्क डन है, वर्क डन कुछ नहीं, इसका यूनिट क्या होता है, जूल में, और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है, वो भी जूल है आपका, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप निकाल लेंगे, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू चार्ज, यानी आपने जो सिस्टम बनाया हुआ है, 1000 बैटरी जोड़ करके आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उसमें एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस चार्ज के ऊपर जो एक्सेलरेशन होगा, यानी जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, वो किसके कारण आएगा, इस पोटेंशियल के कारण आएगा, क्लियर हुआ। और इस पोटेंशियल के कारण कितना आएगा, W/Q, यानी ये वर्क डन कर रहा है एक तरीके, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स के चलते डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो सीधी सी बात है, ये बैटरी क्या कर रहा है, जो वोल्टेज है क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक
वर्क डन करवा रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल दिया वर्क डन जो होगा इसके ऊपर, वर्क डन कुछ नहीं जूल में होता है, वही इसका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज इनटू आपका जो चार्ज है। तो वोल्टेज मेरा यहाँ पे 1000 है, चार्ज मेरा यहाँ पे 0.3 है, इसको कर लेंगे कट जाएगा, यानी 300 जूल जो है आपका यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, या फिर 300 जूल का यहाँ पे वर्क डन होगा। क्लियर हो गया, आगे करते हैं, देखिए आगे क्या बोलता है। आगे बोल रहा है भाई, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी इज अर्थेड, द नेगेटिव टर्मिनल विल बी, तो ये आपका हमेशा नेगेटिव माइनस 12 वोल्ट पे होगा। क्यों? देखिए बैटरी के बारे में बोल रहा भाई, समझे। तो बैटरी अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि बैटरी में कुछ नहीं, दो प्लेट होता है, ठीक है। दोनों से क्या करते हैं, चार्जिंग के दौरान एक से इलेक्ट्रॉन लेकर के, यानी यहाँ पे भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के लिए आपको हमेशा इस बैटरी को क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल पावर देना पड़ेगा, यानी एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ले मतलब लूज किया हुआ, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें प्लस 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 भरा हुआ है और इसमें माइनस माइनस भरा हुआ है, क्लियर हो गया, ठीक है। और जैसे इसमें आप एक बल्ब लगा दीजिएगा तो पूरा पूरा, क्योंकि हर एक चीज़ अपने पुराने स्टेट में आना चाहता है, ये पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस प्लस वाले की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये आना चाहेगा, इस तरीके से फिलामेंट से होके जाएगा, तो ये फिलामेंट आपका ग्लो करेगा, क्लियर हो गया। और इसमें केमिकल्स होते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कमी हो जाएगा, फिर से वो केमिकल रिएक्शन होगा, फिर से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पे जमा हो जाएगा, ये पॉजिटिव, मतलब भाई वो भूखा होता है एक तरीके से, उसका पूरा एक चार्ट बनता है, ऑक्सीडेशन चार्ट बनता है, ठीक है। तो उतना डप में बात नहीं करेंगे, पावर सिस्टम आपका बताया था मैंने आपको एमसीक्यूज में। तो अभी बोल रहा है कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, देखिए ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको आपने ग्राउंडेड किया हुआ है, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, तो इस पर भाई वही है जितना इसमें नेगेटिव चार्ज होगा वही होगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, मतलब क्या, प्लस पॉजिटिव वोल्ट दिखाते हैं, ठीक है, 12 वोल्ट, और ये माइनस 12 वोल्ट दिखाया जाता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तरीके से दिखाता है। तो इसको अगर आपने ग्राउंड कर दिया तो वो तो आपका अभी भी नेगेटिव चार्ज तरह बिहेव कर रहा है ना, यानी माइनस 12 वोल्ट रहेगा ही रहेगा। लेकिन भाई अगर ये एसी सिस्टम होता, ये बैटरी के बारे में बोल दिया, अगर एसी सिस्टम होता भाई, तो एसी सिस्टम में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता। कैसे, देखिए हम लोग को पता है, जैसे आप कभी सबस्टेशन जाइएगा ना, तो सबस्टेशन के अंदर में जितना भी बड़ा एरिया होगा उसका, ठीक है, मान लेते हैं ये पूरा पूरा इतना बड़ा इसका स्क्वायर फीट में फैला हुआ सबस्टेशन, तो इसके अंदर क्या होता है भाई, गड्ढा करके हम लोग बहुत ज़बरदस्त अर्थिंग करवाते हैं, यानी ग्राउंडिंग करवाते हैं, और ये ग्राउंडिंग जो होता है प्लेट ग्राउंडिंग होता है, ठीक है। इस तरीके से पूरा चौड़ा प्लेट को डाल देते हैं हम लोग ज़मीन के अंदर, ठीक है, और यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंडिंग लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में कॉलोनी में, समझिए ऐसे कॉलोनी के अंदर जो 3-phase 4 वायर आ रहा है ना, RYB, और ये हो गया न्यूट्रल, सही बात है। तो अब मान लेते हैं भाई आपका ये घर है, इस घर में आपको एक बल्ब जलाना है, तो इस बल्ब को जलाने के लिए दो टर्मिनल चाहिए, एक पॉजिटिव नेगेटिव, आपने बस एक पॉजिटिव फेस ला दिया, इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब ये नेगेटिव के लिए क्या कर रहे हैं, आप घर में ही ग्राउंडिंग कर दे रहे हैं, तो अगर ये बल्ब जलने लग रहा है तो सोचने वाली बात है कि जमीन के अंदर जब मैंने गाड़ दिया, अर्थिंग जमीन से लिया है, तो ये सर्किट कैसे कंप्लीट हो जाता है, आपने तो प्लस साइन लाया है, तो ये वाला न्यूट्रल वायर इसको कैसे, ये जुड़ कैसे गया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है तो ये न्यूट्रल होता है ना भाई, ये न्यूट्रल कहीं ना कहीं क्या हो रखा है, एक तरीके से ग्राउंड से लिया हुआ, जमीन से, सबस्टेशन का एग्जांपल दिया मैंने, सबस्टेशन में इस तरीके से बहुत हैवी अर्थिंग दिया जाता है, वहां से एक तरीके से निकाल करके हम लोग उसको लेकर के आते हैं, यानी कह सकते हैं जो न्यूट्रल पॉइंट ये भी कहीं ना कहीं ग्राउंडेड होगा, समझ गया बात को, जमीन में डाला हुआ होगा, तभी तो पूरा का पूरा जमीन क्या हो रहा है एक तरीके से, एज अ कंडक्टर तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जैसे ये भी जमीन में जुड़ा हुआ है, ये भी जमीन, मतलब दोनों क्या हो गया, अंदर से कनेक्टेड हो गया, इसलिए सर्किट मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और बल्ब मेरा एक तरीके से जलने लग गया। तो अगर ये बैटरी ना बोल के अगर आपका एसी सिस्टम बोलता, तो अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंडेड कर देते, जैसे मान लेते हैं आपने इसको ग्राउंडेड कर दिया भाई, ठीक है, और न्यूट्रल भी आपका ग्राउंडेड, तो सीधी सी बात है क्या हो जाता, ये न्यूट्रल, सॉरी, ये फेज और ये न्यूट्रल दोनों ग्राउंडेड हो गए, तो सर्किट कंप्लीट हो गया, यानी ये दोनों क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी यहाँ पे पोटेंशियल अगर बोलता है तो पोटेंशियल मेरा यहाँ पे 0 वोल्ट हो जाता। तो आई होप कि ये चारों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा भाई, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी बोला है मैंने, जितना डिटेल में जाएंगे ना उतना चीज़ जो है आपको समझ में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसी के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे भाई, 5-6 क्वेश्चन और कर लेंगे, उसका फिर पूरा आपका न्यूमेरिकल सेक्शन है इसमें, फिर हम लोग का न्यूमेरिकल रहेगा, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे हम लोग।